हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया, जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं शहर में अफवाह फैली हुई है कि हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं। इसी क्रम में इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक BS ग्वाल का कहना है कि हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर किसी तरह का वाहन के साथ अन्य नुकसान होता है तो नुकसान सामग्री का इंश्योरेंस वैलिड है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत हिंसा और दंगे में यदि आपकी कार, बाइक या अन्य वाहन को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रबंधक BS ग्वाल ने बताया कि इससे जुड़ी कुछ नियम और शर्तें हैं जिसका आपको पालन करना होता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, ये बात गलत है कि मोटर जो इंश्योरेंस होता है तो इसमें लगभग मतलब जो है ऑलवेज कवर होता है, तो ये तो कवर है ही, ये कवर होता है, ये अफवाह ना समझें इसको। इसको जो अपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना दावा का सूचना दे कंपनी को और FIR की कॉपी दे हमको, तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं किसी कंपनी से का, बशर्ते आपका जो गाड़ी नुकसान हुआ, आपका फायर हुआ है, आग जली है, तो उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा। दिन नहीं कह सकते, ये तो आपके ऊपर, इंश्योर के ऊपर डिपेंड करता है, क्लेमेंट के ऊपर कितनी जल्दी वो क्लेम इंटीमेट करता है और कितनी जल्दी वो FIR की कॉपी देता है, न्यूज़पेपर की कटिंग देता है, है ना, ये सब सबूत लाने के बाद ही उनको क्लेम दिया जा सकता है। तो क्षतिग्रस्त वाहन को मिलते क्लेम, जो वाहन होते हैं क्लेम मिलते हैं क्षतिग्रस्त? हाँ, वो सब मिलते हैं क्षतिग्रस्त, हुआ जो जली है,